वेलकम टू टेकबल्क। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे चार मेथड जिससे आप कर सकते हैं अपनी खराब मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव को बिल्कुल सही। उससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर तो कीजिएगा ही, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखते रहिए टेकबल्क। तो सबसे पहले जो मेथड हम यूज़ करने वाले हैं वो है CMD यानी कमांड प्रॉम्प्ट। तो उसे हम सर्च करेंगे CMD और राइट क्लिक करेंगे और इसे ओपन करेंगे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर में। यस, और सबसे पहले हम लिखेंगे Diskpart। उसके बाद लिस्ट डिस्क, और देखिए यहाँ पर मेरी हार्ड ड्राइव और पेन ड्राइव दोनों चीज आ चुकी हैं। तो अब मैं यहाँ से करूँगा सेलेक्ट डिस्क वन, और अब मैं इसे करूँगा क्लीन। और क्लीन करने के बाद क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी और सेलेक्ट पार्टीशन वन। उसके बाद मैं ऐसे करूंगा एक्टिव, और फॉर्मेट fs इज इक्वल टू ntfs क्विक। ये थोड़ा टाइम लेगा, और देखिए ये हो गया है। उसके बाद हम करेंगे असाइन तो आप देख सकते हैं कि मेरी यहाँ से पेन ड्राइव ओपन हो चुकी है, और अब आप इसे बंद करने के लिए यहाँ से एग्जिट करेंगे तो आपकी CMD के जरिए पेन ड्राइव खुल जाएगी। और जो दूसरा मेथड है वो बहुत ही इजी है। इस मेथड में हम अपने पेन ड्राइव का ड्राइव लेटर चेंज करेंगे। तो देखिए अभी यहाँ मेरा पेन ड्राइव का जो ड्राइव लेटर है वो आई है। देखिए इसे चेंज करने के लिए हम माय कंप्यूटर पर जाते हैं और राइट क्लिक करते हैं। उसके बाद हमें मैनेज में जाना है, मैनेज में जाने के बाद हमें डिस्क मैनेजमेंट में जाना है, और देखिए यहाँ आई लेटर पर मेरी पेन ड्राइव आ रही है तो इसे राइट क्लिक करना है और यहाँ से चेंज ड्राइव लेटर एंड पाथ पर जाना है, और यहां सर चेंज, और यहां से हम अपनी ड्राइव लेटर एच कर देंगे और ओके। और अब आप देखिए जो मेरी ड्राइव लेटर था पेन ड्राइव का वो एच हो चुका है। तो ये वाला मेथड भी कई जगह यूज आता है। और जो तीसरा मेथड है इसमें हम अपने ड्राइवर्स को अपडेट करेंगे। तो ड्राइवर्स अपडेट करने के लिए हमें माई कंप्यूटर पर जाना होगा और राइट क्लिक करना होगा। उसके बाद प्रॉपर्टीज पर हमें जाना होगा। प्रॉपर्टीज पर जाने के बाद आपको डिवाइस मैनेजर में जाना है, और डिवाइस मैनेजर पर जाने के बाद आपको डिस्क ड्राइव पर जाना है। और देखिए यहाँ पर मेरी पेन ड्राइव और मेरी हार्ड डिस्क दोनों चीज़ आ रही है तो मुझे अपनी पेन ड्राइव को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और एक बार इसे करना है डिसेबल। उसके बाद दोबारा जाना है और उसके बाद इनेबल करना है। तो देखिए ये करने के बाद भी आपकी पेन ड्राइव
ओपन हो सकती है अगर ये करने के बाद भी आपकी पेनड्राइव ओपन नहीं हो रही है, तो आपको अपने ड्राइवर्स अपडेट करने की ज़रूरत है। वो करने के लिए आपको यहाँ पर अपनी पेनड्राइव सेलेक्ट करनी होगी, उसके बाद राइट क्लिक करना है और अपडेट ड्राइवर सॉफ्टवेयर, उसके बाद आपको सर्च ऑटोमेटिकली फॉर अपडेट ड्राइवर सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट करना है और ये आपकी कर लेगा। मेरे ड्राइवर पहले से इंस्टॉल है और अपडेटेड है, इसलिए मैं इसे नहीं करूँगा। और जो फोर्थ मेथड है वो खास मेमोरी कार्ड वालों के लिए है। अगर ये तीन स्टेप करने के बाद भी आपकी मेमोरी कार्ड शो नहीं हो रहा, तो आप अपनी मेमोरी कार्ड की गोल्डन लाइंस को थिनर से साफ करें।